कुछ कुछ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिखास किचन। फ्रेंड्स, आपने भिंडी की सब्जी तो बहुत बार खाई होगी, लेकिन आज मैं आपके साथ एक शाही भिंडी की रेसिपी शेयर करूंगी, जैसे कि आपने रेस्टोरेंट में जरूर खाई होगी। और उसके लिए हमें चाहिए आधा किलो भिंडी, मैंने कट करके रखी हुई है, देखिए छोटे पीसेस में कट करके रखी है, हाफ के जी भिंडी है ये। और मैंने दो आलू को मैंने इस तरह से फिंगर चिप्स की तरह काटा हुआ है, लंबा लंबा लंबे लंबे पीसेस में काट के रखा हुआ है मैंने। दो आलू है ये, दो मीडियम साइज के आलू। और मसालों में हमें चाहिए चार टमाटर को पीस, मैंने उसकी फ्रेश प्यूरी बनाई है, चार टमाटर की प्यूरी है। और हाफ कप दही, हाफ कप दही है ये। और वन टीस्पून गरम मसाला पाउडर, वन टीस्पून धनिया पाउडर, वन टीस्पून अजवाइन है ये, कैरम सीड्स, वन टीस्पून अजवाइन है। और हाफ टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, वन टीस्पून टर्मरिक है, हल्दी। और नमक आप टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं अपना, मैंने यहाँ पे वन टीस्पून लिया है नमक। और मैंने अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया हुआ है, जिंजर और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया हुआ है यहाँ पे। और फ्रेंड्स, हम लेंगे कम से कम 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, इसको फ्राई कर, थोड़ा शैलो फ्राई करेंगे हम इसको, 2-3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और पिंच ऑफ हींग। देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई गर्म हो गई हमारी, अब इसमें हम 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। पहले हम आलूओं को शैलो फ्राई करेंगे। हमें इन्हें डीप फ्राई नहीं करना है, बस शैलो फ्राई करना है। इसको हम मीडियम हीट पे कर देंगे और कवर करके कुछ देर ऐसे ही पकने देंगे, बीच में खोल के हम उसको चेक करते रहेंगे, फ्राई करते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे आलू फ्राई हो गए हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे। हमने इसे कवर करके बीच में कई बार खोल के और फ्राई किया है। देखिए गोल्डन फ्राई कर लिए, एकदम सॉफ्ट हो गए ये। अब हम इसी ऑयल में भिंडी को भी शैलो फ्राई कर लेंगे। हमने ऑयल और ऐड नहीं किया है, उसी ऑयल में भिंडी को शैलो फ्राई करेंगे। इसको भी मीडियम हीट पे कवर करके कुछ देर पकाएंगे, बीच में खोल के चलाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, बीच में से खोल के हमने कई बार चलाया है इसे, और अब ये सॉफ्ट हो गई है। अब ये देखिए अच्छी फ्राई हो गई है, और बहुत ही कम ऑयल में इसको हमने फ्राई कर लिया है, इसको डीप फ्राई नहीं किया है हमने, बिल्कुल शैलो फ्राई किया है थोड़े से ऑयल में। अब इसे हम निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे भिंडी और आलू फ्राई हो गए हैं, अब हम सब्जी बनाएंगे। हम कढ़ाई को गर्म करेंगे फिर से, और इसमें बस 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे, और इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून अजवाइन, कैरम सीड्स, साथ में डालेंगे 1 पिंच हींग, इसको फ्राई करेंगे। अब हम डालेंगे इसमें जिंजर का पेस्ट, अदरक का जो हमने पेस्ट बनाया था, अदरक हरी मिर्च पीस के हमने पेस्ट बनाया था, वो डालेंगे, उसको फ्राई करेंगे। अब हम डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर,
टीस्पून चिली पाउडर, क्योंकि हमने ग्रीन चिलीज भी डाली है इसलिए मैं कम डाली हूँ रेड चिली। इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह। तो मसाला भून गया है बहुत कम ऑयल में। अब हम डालेंगे टोमेटो पेस्ट, और इसको ऑयल अलग होने तक फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरे टमाटर फ्राई हो गए हैं, इसका ऑयल अलग हो रहा है। अब इसमें हम डाल देंगे अपना हाफ कप दही, इसको भी फ्राई करेंगे अच्छी तरह। देखिए फ्रेंड्स, दही भी भून गया, हमारा मसाला भून गया है टमाटर और दही। अब इसमें हम डालेंगे पानी हाफ कप। थोड़ा सा पानी और डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और अब इसमें हम ये फ्राई की हुई भिंडी डाल देंगे, और ये हमारे आलू भी डाल देंगे इसी में। बढ़िया सी ग्रेवी में और नमक डाल देंगे। फ्रेंड्स, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको हम कवर करके 5 मिनट के लिए मीडियम गैस पे पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरे सब्जी को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसको हम चेक करते हैं। देखिए, मेरी बढ़िया सी ग्रेवी में आलू और भिंडी लिपट गए अच्छी तरह। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसको मिक्स करेंगे और इसको सर्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरी शाही भिंडी बनके तैयार हो गई है, और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी भिंडी बनी है। और वैसे तो इस सब्जी में भिंडी और आलू को डीप फ्राई करते हैं, पर मैंने इसको बहुत ही कम ऑयल में शैलो फ्राई किया है, और ऐसे भी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इस सब्जी को जरूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने का थैंक यू।